Is it number 3? First was inflation effect. Second was certainty equivalent. Third, check the list. Risk adjusted discounting rate. Risk adjusted discounting rate. रडार बोलेंगे, रडार, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, RADR। नो, रिस्क एडजस्टेड ऑलरेडी आपको समझा दिया था, जैसे तीन कंपोनेंट होते हैं ना, रिस्क फ्री, इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। से फॉर द टाइम बींग लेट अस इग्नोर इन्फ्लेशन। इफ यू इंक्लूड दिस टू, इफ यू इंक्लूड दिस टू इन द डिस्काउंटिंग रेट, द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कम्स, करेक्ट? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट इज द रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क एडजस्टेड मीन्स रिस्क इंक्लूडेड। सो पहला यही नोट्स बना लीजिए आप, RF एंड रिस्क प्रीमियम टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। RF एंड रिस्क प्रीमियम टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है? तो बेसिकली द आइडिया इज, इफ अ प्रोजेक्ट इज रिस्की, ठीक है, इफ अ प्रोजेक्ट इज रिस्की, देन व्हाट डू यू थिंक, इट्स रिस्क प्रीमियम शुड बी हायर और लोअर? हायर। सो ऑब्वियसली इट शुड बी डिस्काउंटेड एट हायर रेट। दिस इज द सिंपल फंडा। इधर द बेसिक फंडा हियर इज, यू राइट, बेसिक फंडा हियर इज, रिस्की प्रोजेक्ट्स शुड बी डिस्काउंटेड एट हायर डिस्काउंटिंग रेट। रिस्की प्रोजेक्ट्स शुड बी डिस्काउंटेड एट हायर डिस्काउंटिंग रेट। रिस्की प्रोजेक्ट्स शुड बी डिस्काउंटेड एट हायर डिस्काउंटिंग रेट। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट मोर रिस्क प्रीमियम इन रिस्की प्रोजेक्ट्स, ठीक है? इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट मोर रिस्क प्रीमियम इन रिस्की प्रोजेक्ट्स। नाउ सर, आपने तो एक ऑलरेडी हमें तरीका सिखाया ही था रिस्क हैंडल करने के लिए। पिछले दिन आपने सर्टेंटी इक्विवेलेंट सिखाया। तो सर्टेंटी इक्विवेलेंट में हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें कैश प्रोजेक्ट के कैश फ्लो में रिस्क दिख रहा है, तो हम उसका अनसर्टेन एलिमिनेंट एलिमेंट हटा देते थे। जैसे एक कैश फ्लो का हम लोग मान रहे थे दो पार्ट होता है, एक रिस्की पार्ट, एक सर्टेन पार्ट, ठीक? तो हम अपने परसेप्शन के हिसाब से रिस्की पोर्शन को हटा देते थे और हमारा कैश फ्लो को कम कर लेते थे। उसके लिए एक सर्टेंटी इक्विवेलेंट यानी उसका सिंबल होता है अल्फा, अल्फा यूज किया करते थे और हर साल का कैश फ्लो अकॉर्डिंगली कम कर लेते थे। उसमें एक बात थी कि डिस्टेंट कैश फ्लो, ज्यादा दूर का जो कैश फ्लो होता है उसको और कम कर देते थे। याद आ रहा आपको ऐसा? और फिर पूरा प्रोजेक्ट को RF से डिस्काउंट करते थे, मतलब कैश फ्लो को कम कर लिया, करेक्ट, और फिर RF से डिस्काउंट कर दिया। कैश फ्लो में रिस्की पार्ट को हटा दिया, सर्टेन पार्ट को रख लिया और RF इज रिस्क फ्री, उसे डिस्काउंट कर दिया। तो पॉइंट अराइजेज, जब एक तरीका है तो ये दूसरा तरीका का क्या काम है?
पॉइंट अराइजेज, जब वो तरीका सीखा ही था वो रिस्क हैंडल करने के लिए, तो फिर एक नया तरीका हम लोग को क्यों दे रहे हैं? तो जरूर उसकी कुछ कमियां हैं, तभी ये सीखना पड़ रहा है ना। उसकी क्या कमियां हैं वो आपको समझना है। तो मैं नंबर 3 बता रहा हूं, सर्टेंटी इक्विवेलेंट वर्सेस आरएडीआर। सर्टेंटी इक्विवेलेंट वर्सेस आरएडीआर, सर्टेंटी इक्विवेलेंट वर्सेस आरएडीआर। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम हियर इज नंबर 1, सर्टेंटी इक्विवेलेंट बोलता है हर साल का कैश फ्लो को। सर्टेंटी इक्विवेलेंट बोलता है हर साल का कैश फ्लो को आप एक अल्फा यानी सर्टेंटी इक्विवेलेंट असाइन करो हर साल का। एवरी ईयर में सीई था, पिछला सम देख सकते हैं, एवरी ईयर में सीई था। ठीक, अब एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली जितना दूर का अमाउंट होगा उतना सर्टेनिटी उसका कम दिखेगा आपको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, उसमें हर साल असाइन करो, और वो भी अगेन डिपेंडेंट था इन्वेस्टर का रिस्क एटीट्यूड पर। मैंने आपको बोला था रिस्क एवर्स इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क दिखता है, तो उसका सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कम होता है ना। वो सब सर्टेन चीज को कमती विजुअलाइज करता है, वो अनसर्टेनिटी ज्यादा देखता है हर चीज में, और रिस्क अग्रेसिव वाला सब चीज सर्टेन देखता है। तो इसमें पर्सनल चॉइस ज्यादा हो गई थी नंबर 1, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया था कि यहां पर हर साल पे असाइन करो। तो ये दो बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, इसलिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट में इनहेरेंट रिस्क है ही, हर ही प्रोजेक्ट में होता है, तो आप अपना डिजायर्ड रिटर्न को बढ़ा लीजिए। और क्या, ये हर साल का सर्टेनिटी खोजने जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कैसे पता लगेगा किस साल क्या सर्टेनिटी होगा? तो नंबर 1 पॉइंट आ रहा है डिफिकल्टीज, नंबर 1 पॉइंट आ रहा है डिफिकल्टीज इन असाइनिंग अल्फा, अल्फा यानी सीई टू ईच ईयर्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। डिफिकल्टीज इन असाइनिंग अल्फा टू ईच ईयर्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक, यहां पे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। फुल स्टॉप। सो नो सच डिफिकल्टीज। नंबर 2, सीई में क्या करते थे, अगर ज्यादा रिस्क दिखता था तो सीई कम होता था कि ज्यादा होता था? कम होता था, रिस्क ज्यादा दिखता है तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम हो जाता था। और इधर क्या करना है, हायर रिस्क हुआ तो? हाँ, इधर बोल रहे रिस्क क्यों हटाते हो, रिस्क हटेगा क्या आपके ऐसे सोचने से? तो आपका अपना परसेप्शन है कि ऐसे रिस्क कम हो जाएगा, यहां पर रिस्क मत हटाइए, आप अपना प्रीमियम मांग लीजिए। तो हायर आरएडीआर हो जाएगा, हायर रिस्क मतलब हायर आरएडीआर। समझ में आ रहा है सोच कैसी है? सीई बोलता है रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो कैश फ्लो कम कर लो और हर साल का कैश फ्लो कम करते चले जाओ। और आरएडीआर क्या बोलता है, अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम मांग लो। और वो इजी लगता है, हर साल का कैश फ्लो में घुस घुस के कम करना, उसके अगेंस्ट में सीधा प्रीमियम दे देना, आरएडीआर साउंड्स इजियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मींस नंबर 4 बुलेट। तो द थिंग इज, आपको यह समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट डिस्काउंट होगा आरएडीआर पे, तो क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू फाइंड आरएडीआर,
हाउ टू फाइंड RADR. देखो डिफरेंट वेज है. ऑप्शन वन, ऑप्शन वन ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, जो पिछले दिन मैंने डिस्काउंटिंग रेट का तीन पोर्शन बताया था उससे आपको पता चल जाएगा. सो ऑप्शन वन वी ऑलरेडी नो, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अगर, और इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं. से वी आर इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन. आपको एक एग्जांपल देते हैं, RF है 5% और रिस्क प्रीमियम हमें चाहिए 4%. सो व्हाट विल बी द RADR, रिस्क एडजस्टेड रेट क्या होगा? रिस्क एडजस्टेड रेट क्या होगा? 1.05 इंटू, आंसर इज इक्वल टू 1.05 इंटू 1.04 माइनस 1, 9.2%. ठीक है, तो ये ऑप्शन वन था, जिसका अगर आप फॉर्मूला बनाने बोलेंगे तो मैं से बना देंगे. 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड रेट इज इक्वल टू 1 प्लस RF इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम. 1 प्लस RF इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम. ठीक है, सो तो एकदम सिंपल हो गया ना. तो यहां तक का पढ़ाई होता तो सच में उतना बुद्धि लगाना नहीं था, बट ऑप्शन टू में थोड़ा सा नयापन है, उसको भी देख लेंगे. बहुत इजी है बट नयापन है, एक बार देखने से याद रहता है. बोलता है रिस्क एडजस्टेड रेट RADR इज इक्वल टू KO प्लस, KO मतलब KO बोल सकते हैं या RF बोलिए, RF प्लस, ऐसा बोलिए, RF प्लस रिस्क फ्री रेट प्लस RF प्लस रिस्क फ्री से ज्यादा जाना है ना, क्या लेना है उसमें, रिस्क प्रीमियम लेना है. अब रिस्क प्रीमियम को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक बोल रहा है N और एक बोल रहा है D, ये दोनों मिला के रिस्क प्रीमियम है. मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, ये दोनों मिला के रिस्क प्रीमियम है. तो N कौन सा प्रीमियम है? N इज इक्वल टू, यहां पे आप देखिए एडिटिव मॉडल यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो रहा, एडिटिव हो रहा है. इसमें तो मल्टीप्लिकेटिव था, ये एडिटिव हो रहा है, ऐड कर रहे हैं आप N प्लस D. अच्छा यहां पे ध्यान दो, N मतलब क्या है? N मतलब हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल रिस्क प्रीमियम फॉर इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री का रिस्क प्रीमियम. ये पॉइंट समझ में आता है क्या? नॉर्मल रिस्क प्रीमियम फॉर इंडस्ट्री. देखिए आप गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़ के से सीमेंट का एक कंपनी में रुपया लगा रहे हो, तो सीमेंट इंडस्ट्री का अपना एक रिस्क प्रीमियम होता है पूरा इंडस्ट्री का. एंड डी इज इक्वल टू डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम फॉर द प्रोजेक्ट. अब सीमेंट इंडस्ट्री में वाला एक कंपनी आपने चुना और उस कंपनी ने एक अजीब सा एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसका एक अलग रिस्क है, तो उसका आप अलग रिस्क प्रीमियम मांग रहे हो. लॉजिकल है ना, एकदम ब्रेकअप कर दिया रिस्क प्रीमियम को. एक इंडस्ट्री का प्रीमियम चाहिए और दूसरा प्रोजेक्ट का रिस्क प्रीमियम चाहिए, करेक्ट? इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, एक के, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू KO प्लस D. नाउ व्हाट इज KO? KO इज एक्चुअली इंटरप्रेटेड हियर एज RF प्लस N. KO इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट यू ऑल नो, करेक्ट? KO को हम लोग मिनिमम रिटर्न भी बोलते हैं ना, इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप बोलते हैं. बट अभी इंटरप्रिटेशन क्या लगाया जा रहा है, एक इन्वेस्टर KO को कैसे सोच रहा है कि रिस्क फ्री तो हमें चाहिए ही, प्लस वो आपकी इंडस्ट्री में घुस रहा है तो उसका वो प्रीमियम मांगता है.
बट अगर आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जो आपने पहले खुद नहीं किया तो उसमें उसको एक्स्ट्रा रिस्क लेना है, तो वो प्लस डी भी मांगेगा, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम भी मांगेगा, करेक्ट? मतलब ये बहुत ही लॉजिकल बात है। जैसे समझिए आप मेरे इन्वेस्टर हैं, आपने हमारे इस एसजीसी इंस्टीट्यूट के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, वो कोलकाता सेंटर था, तो आप जब आए तो गवर्नमेंट छोड़ के, रिस्क फ्री छोड़ के मेरे पास आए, तो आपने एजुकेशन सेक्टर का रिस्क लिया, तो आप मेरे से आर एफ प्लस एन मांग रहे हो, मैं दे भी रहा हूं। अब मैंने आपको वापस अपील किया कि सुनिए हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पे भी एजुकेशन की बहुत मारामारी है, हम लोग शायद पायनियर हो जाएंगे, पूरा कश्मीर जम्मू हमारा ही हो जाएगा, और ऐसे ऐसे प्लान आपको बताए एक्सपेंशन के, ठीक, तो आप मेरे से क्या मांगोगे? हाँ, जो दे रहे थे वो तो दीजिए, प्लस भैया आप कश्मीर जा रहे हो, वहां पे तो हर समय आतंकवाद लोग रहते हैं, तो पता चला कब अचानक से इंस्टीट्यूट बंदी हो गई पता ही नहीं, तो उसका डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम भी हमें लगेगा, ठीक। अगर मैं जनरल सिनेरियोज लेके चलता तो आर एफ प्लस एन रहता, करेक्ट, यानी केओ जो पहले चल रहा था वही रहता। अभी आप केओ से भी ज्यादा मांगोगे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा रिस्की है, करेक्ट। अब इसमें आप सोचो ओवरऑल एक रिस्क प्रीमियम बैठा देना ज्यादा इजी लगता है देन हर साल का मेरा कश्मीर प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज को इवैल्यूएट करना। सर्टेंटी इक्विवेलेंट क्या बोलता है, हर साल का कैश फ्लो को इवैल्यूएट करके उसमें सर्टेंटी एलिमेंट खोजो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग अफेयर हो जाएगा, और ये एक सीधा साधा रिस्क प्रीमियम प्रोजेक्ट में ही जोड़ दिया जाए तो काम हो जाएगा, सिंपल फंडा एकदम। ये जैसे अगर एग्जाम में आ जाता ना तो आपको क्लिक नहीं करता एन प्लस डी, क्लिक नहीं करता, इसलिए ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट था। एक और है ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री आरईडीआर इज इक्वल टू, आरईडीआर इज इक्वल टू एक सीएपीएम मॉडल, आपको याद है क्या? हाँ, ऐसे ही रिकॉल करिए तो फॉर्मूला क्या था उसका, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, नहीं याद है? याद है, इसको भी रिस्क प्रीमियम बोलते थे अगर आपको याद हो। इस आर एफ प्लस एक्स्ट्रा क्या है, वो रिस्क प्रीमियम है, उसी से इंस्पायर होके एक और बना रहे, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं से आर एफ के जगह मिनिमम रिटर्न प्लस, करेक्ट, मिनिमम रिटर्न मतलब आप केओ बोल सकते हो, प्लस मिनिमम रिटर्न माइनस आर एफ इंटू बीटा के जगह बोल रहे रिस्क इंडेक्स, इंटू बीटा के जगह हम लोग बोल रहे रिस्क इंडेक्स, अब ये मिनिमम रिटर्न, एक मिनट क्यों नहीं लिखो इसको, आप आरएफ लिखो यहां पे, ये आरएफ लिखो यहां पे, रिस्क फ्री रिटर्न लिखो, आरएफ से इंस्पायर होगा ना, आरएफ प्लस आरएम के जगह मिनिमम रिटर्न विच इज केओ माइनस आरएफ इनटू रिस्क इंडेक्स, ये आरएफ होगा, आरएफ प्लस मिनिमम रिटर्न माइनस आरएफ इनटू रिस्क इंडेक्स, ठीक है। अभी रिस्क इंडेक्स आपको गिवन होगा, आपको सोचना नहीं है, वो प्रोजेक्ट वाइज दिया हुआ होगा, आपको बस यूज करना है। रिस्क इंडेक्स कैसे पता करते हैं इसके ऊपर अभी हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे, ओके। बस यही है, इसके बाद एनपीवी फाइंड कर दीजिएगा यूजिंग आरएडीआर और प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर लीजिएगा। सो लास्टली वी हैव टू अल्टीमेटली
वी हैव टू फाइंड एनपीवी यूजिंग आरएडीआर, वी हैव टू फाइंड एनपीवी यूजिंग आरएडीआर. We have to find NPV using RADR. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर यहां पे है 7 और आपका होगा 27. 7 और 27. आइए देखिए क्या बोल रहे हैं. A company engaged in manufacturing of toys is considering a line of stationary items. देखो टॉय बनाने वाला कंपनी अचानक से कहां जा रहा है, स्टेशनरी में घुस रहा है. With an expected life of 5 years. With an expected life of 5 years. From past experience, the company has a conservative view in its investment in new products. Accordingly, company considers the stationary items as an abnormally risky projects. Okay. So, the company's management is of view that normally required rate of return of 10% will not be sufficient. And hence, minimum required rate of return should be 15%. So, what is 15%? Can you understand that it is risk adjusted? ऑलरेडी आरएडीआर दिया हुआ, अंडरलाइन करके लिख दीजिए, वो आरएडीआर है. आपको आरएडीआर पता नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन ने अपने आप मॉडिफाई कर दिया. द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 1,10,00,000 एंड एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 30,00,000 फॉर 5 years. डिटरमाइन वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. किससे डिस्काउंट करोगे? 15% से बस हो गया, सम कर दो, एनपीवी निकालो. एनपीवी एट द रेट 15%. इस सम का आरएडीआर दिया हुआ है, आरएडीआर इज 15%. आपको नहीं निकालना पड़ा, ऑलरेडी दिया हुआ आरएडीआर इज 15%. सो एनपीवी एट 15%. देखो शॉर्टकट में लिख देते हैं, कैश फ्लो तो हर साल का सेम ही है. क्या चाहिए आपको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है. तो 30,00,000 इनटू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 15% फॉर 5 years माइनस 110,00,000. देखो आंसर क्या आ रहा है. क्या आंसर? लैक्स में बोलो ना. 9.43 प्लस की माइनस. तो सबसे मेन बात तो आप बोल ही नहीं रहे, माइनस 9.43 लाख. सो एज एनपीवी इज नेगेटिव प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. Project should not be accepted. As NPV is negative, project should not be accepted. हो गया. Next question number 8. Question 28. Question 8. बढ़े आगे. A pencil manufacturing company is considering the introduction of a line of gel pen. आपको समझ में आ रहा है रिस्की प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? रिस्की प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं समझने का कोशिश करिए. जब आपका जो काम नहीं था आप वो काम करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को रिस्की लगेगा ही ना. विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years.
In the past, the firm has been quite conservative in its investment in new projects. वही डायलॉग मारा देखो, सेम टू सेम डायलॉग. Sticking primarily to standard pencils. In this context, the introduction of a line of gel pen is considered an abnormal risky project. Copy paste मारा है पूरा. The CEO of the company is of opinion that normal required rate of return for the company of 12% is not sufficient. Therefore, the minimum acceptable rate of return of the project should be 18%. ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? RADR फिर से दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? The initial outlay of the project is 10 lakh and the expected free cash flows अब हर साल का अलग अलग. चलो एक काम तो मिला ढंग का, करिए NPV at the rate 18%. अब जिनको निंजा ट्रिक आता है वो तो फिर एक लाइन में कर देंगे, बट नंबर क्या चीज का मिलेगा एग्जाम में? ईयर में 0, 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा प्रेजेंटेशन दे दो, लगे कि हाँ मेहनत किए हैं हम लोग. कैश फ्लो ईयर जीरो में क्या है? नेगेटिव. कितना इन्वेस्टमेंट? कितना? 10 लाख. दस दो तीन चार, तीन दो. क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आपका आत्मा क्या कहवा देता है? जल्दी बोलना होगा, इतना टाइम नहीं देंगे बिना कैलकुलेशन के. हाँ, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? चलो देखते हैं. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 18% ही. बोलिए, पासा पलटें. नेगेटिव. ओ अच्छा, पहला ईयर जीरो में वन, फिर पॉइंट 847, पॉइंट 847, पॉइंट 718, 609, 516, 0.437. ठीक है, क्या रहा एनपीवी? एनपीवी अरे पॉइंट पॉइंट मत दीजिए मेरे को. 1.29 ऐसे बोलिए, 1.29 नेगेटिव हो गया. आपका आत्मा भाग रहा है कहीं और. भागे रे मन तेरा, किधर तू जाने ना. So as NPV is negative, project should not be accepted. सर बोल दीजिए ना सर, ये एग्जाम में आता है सर, कुछ तो हल्का लगे हम लोगों को. अरे ये सब एग्जाम में आए तो उठ के चले आना भाई, लिख देना, इज्जत नहीं है क्या? इतना बड़ा बड़ा कोर्स पढ़ाए हैं और आके लास्ट में ये पूछ रहे हैं. क्या क्या तैयारी करके आए और आप ये सब छोटा छोटा सवाल पूछ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, कोई अच्छा पेपर सेट करिए फिर एग्जाम देने आएंगे. हाँ, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए. क्वेश्चन नंबर 9, आपका 29. क्वेश्चन नंबर 9, आपका 29. क्वेश्चन नंबर 9, आपका 29. डिटरमाइन रिस्क एडजस्टेड एनपीवी. देखो धोखा मत खा जाना, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी एक नया नाम रख दिया. अभी बाबा ये कौन सा नाम आ गया, हम लोग को तो पता ही नहीं. ऐसा नहीं. अच्छा एक और आप लोग को पढ़ने को मिलता है, जो मैं बोला ना कैबेज का पार्ट ए भी बाकी है.
तो इंटर वालों को तो वो नहीं पढ़ाते, जो फाइनल में पढ़ते हैं कैपबच पार्टे, उन लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है एडजस्टेड एनपीवी। इंटर में नहीं पढ़ाते, फाइनल में पढ़ाते हैं एडजस्टेड एनपीवी, और ये रिस्क एडजस्टेड एनपीवी है। तो फाइनल वाले नोट करके रखेंगे, डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ एडजस्टेड एनपीवी। इंटर वालों को नोट नहीं करना, फाइनल वाले नोट करके रखेंगे, डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ एडजस्टेड एनपीवी। रिस्क एडजस्टेड इज आरएडीआर और एडजस्टेड एनपीवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो खाली वर्ड रिस्क बैठा देने से कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, नेट कैश आउटलेज 3 प्रोजेक्ट है यहां पे। आउटले मतलब आउटफ्लो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया ये, देन लाइफ दिया हुआ है 5 साल, तीनों का लाइफ अनइक्वल होता तो आपको याद है क्या, लाइफ सेम है भी अनइक्वल होता तो ईआई निकालते, इक्वल एनुअल इनकम निकालते। एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है तो एन्युटी फैक्टर से हो जाएगा। और ये क्या दे दिया, ओ माय गॉड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब क्या आ गया। इसके बारे में डिटेल में बात होगा, बट फिलहाल आगे पढ़िए आप, छटपटाइए नहीं। द कंपनी सिलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, जिसमें वेरिएशन ज्यादा है उसका रिस्क ज्यादा है। अभी आप ये बोल के रख सकते हैं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है उसका रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका डिस्काउंटिंग रेट भी ज्यादा होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट देखिए 1.2 है ना, एक्स का कोएफिशिएंट 1.2 है, तो 1.2 पे रिस्क एडजस्टेड रेट क्या है, 16% है ना, सबसे ज्यादा वही होगा देखना। फिर वाई में 0.8 है तो 14% है, और जेड में 0.4 है तो 12% है, बाकी सब अपने कोई काम का नहीं। और ये क्या मजा देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 to 5 ईयर का दिया हुआ है, एनुइटी फैक्टर दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेटर में ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस आपको बताना है रिस्क एडजस्टेड एनपीवी सब का। सर अच्छा किया ये इंटर में भेज दिया, क्या है इसमें फाइनल का बताइए आप। सर ऐसे मत बोलिए, एक दो चैप्टर ही तो समझ में आ रहा है, बाकी सब तो लगता है कि फाइनल क्या चीज है। ये सब एक बार देखने से ही मतलब ऐसा है ना कि आप सम देखोगे तो आपको लगेगा हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका बेनिफिट वाला चीज है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड आर ए डी आर एज पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बोलो एक्स में क्या आ रहा है 16, वाई में 14 और 12, टिक मार लिया करो ना वहां 1.2 के बगल में लिख दो एक्स। देखो अगली बार और समय बचाना है, ऐसे तो इजी, अगली बार और समय बचाना और फास्ट होना है तो 1.2 के बगल में लिख दिया, ये प्रोजेक्ट एक्स का है, 0.8 के बगल में लिख दिया ये प्रोजेक्ट वाई का है, 0.4 के बगल में लिख दिया प्रोजेक्ट जेड का है। फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है इनका 5 इयर्स का, 16 पे है 3.274, फिर है 3.433, फिर है 3.605, फिर आ रहा है कैश फ्लो। फिर आ रहा है कैश फ्लो आपका एनुअल पर एनम जो दिया हुआ है वो नोट कर रहे हैं, 70,000, 42,000, 30,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मल्टीप्लाई करिए। संग संग माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कर दो ना, मेहनत कम होगा। जो आंसर आया माइनस 2.10 कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 1.20 करिए, यहाँ पे 1,00,000 करिए, तो यही आ गया आपका रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या आ रहा है,
लाख 29,180 माइनस 2,10 19,180। फिर दूसरा वाला मनीष कॉपी कर रहा है, तुम देख रहे हैं? अरे इसमें खुद से करना तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पहाड़ी नहीं। कितना है ये वाला? 4 लाख 144 186 24 186 फिर 108150 तो 8150। कुछ सुझाव देने तो बोला नहीं, क्यों सुझाव देने जाएं आप? आपको बोला बस एनपीवी बता दो तो बता दिया आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत मजा आ रहा है सर, फटाफट क्वेश्चन हो रहे, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 10 पेज देख लीजिए आप, क्वेश्चन 10 और वहां क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 10 है और क्वेश्चन 30 है। न्यू प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स P1, P2, P3। फॉलोइंग इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट यानी लिख लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्ड कॉस्ट माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनफ्लोज में ईयर 1, 2, 3, 4 है, यानी वो कैश फ्लो दिया हुआ है। और ये देखो क्या दिया हुआ, रिस्क इंडेक्स। रिस्क इंडेक्स बताया ना अभी, वो सीएपीएम वाला लिखो ना वहां पे, सीएपीएम जैसा, सीएपीएम जैसा। फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केओ 15% और एप्लीकेबल टैक्स रेट, ये क्या दिया है? एप्लीकेबल टैक्स रेट का हम क्या करेंगे? 40%। एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो आप अपना रिस्क एडजस्टेड रेट हर एक प्रोजेक्ट का फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सीएपीएम का फॉर्मूला। आरएफ आपको मालूम है विच इज 10% प्लस केओ लेना है यानी मिनिमम रिटर्न लेना है विच इज 15% माइनस 10% इनटू रिस्क इंडेक्स। तो सबका आरईडीआर आ गया, इन ऑल प्रोजेक्ट यू गॉट द आरईडीआर। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ टैक्स रेट, द पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ टैक्स रेट। देखिए अगर यहाँ पे हमें कैश फ्लो निकालना होता, अगर हमें यहाँ पे कैश फ्लो निकालना होता तो टैक्स रेट यूज करते कैसे? वो आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन से पीबीटी आता, लेस टैक्स द पैट आता, पैट में एडबैक करते डिप्रिसिएशन। बट यहाँ तो इनफ्लो दिया हुआ है तो आपका कुछ बोला नहीं ना। हमेशा अजम्पशन ऐसा लीजिए जिससे मेहनत कम करना पड़े। तो आप मान लीजिए जो इन्फ्लोज है वो आफ्टर टैक्स है, खत्म हो गया आपका झमेला। आप जबरदस्ती का मानेंगे इन्फ्लोज आर बिफोर टैक्स, ओके, तो होगा क्या? इन्फ्लोज और कम दिखने लगेंगे। देखो एक और लॉजिक भी देते हैं, ध्यान से देखना। पहला प्रोजेक्ट को देखो, 6, 6, 6, 6, 4 है ना, तो टोटल आता है 24 लाख। उसको डिस्काउंट करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, करेक्ट? तो ऑब्वियसली एनपीवी पॉजिटिव भी आ सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप 6 लाख में टैक्स रेट माइनस कर दोगे, सोचोगे आपके बिफोर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स करने से क्या होगा? 6 लाख माइनस 40%, समझ में आ रहा है? 6 लाख माइनस 40% यानी 3,60,000 बचेगा। 3,60,000 इंटू 4 बार करोगे, 4 साल है, 3,60,000 इंटू 4 करोगे कितना आता है? 1440। ये लो कैश फ्लो में ही नेगेटिव हो गया, तो डिस्काउंटिंग करने के बाद तो और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो जनरली कोई ऐसा प्रोजेक्ट को लेके सामने बैठता है क्या जिसमें क्लियर क्लियर दिख रहा हो कि यहाँ पर नेगेटिव एनपीवी आने वाला है? जनरली कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेके हम लोग इवेल्युएट करने नहीं बैठते हैं जिसमें
अपरेंटली दिख रहा हो कि यहाँ नुकसान है। हम लोग ऐसा ही प्रोजेक्ट हमेशा इवेल्युएट कर रहे होते हैं जिसमें कैश फ्लो थोड़ा ज्यादा है बट डिस्काउंट करके कम हो रहा है, करेक्ट, तो जाके समझ रहे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। सो यहां पे पहला चीज अज्यूम्ड दैट गिवन कैश इनफ्लोज आर सी फैट आफ्टर टैक्स, सो टैक्स रेट इज नॉट रेलिवेंट, सो टैक्स रेट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। दूसरा, इस क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या पूछा, देखो पार्ट वाइज एड्रेस करो। पहला पार्ट बोलता है फाइंड आउट द आरएडीआर फॉर दीज प्रोजेक्ट्स एंड विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। तो पार्ट वन एड्रेस करिए पहले आरएडीआर, सबका आरएडीआर। मैंने व्हाट्स न्यू में लिख दिया वहां पे, देखिए क्या लिखा है आरएडीआर के लिए। व्हाट्स न्यू में क्या लिखा है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सीएपीएम वाला फॉर्मूला एंड फॉर्मूला इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ। आरएम के जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, केओ बोल रहे हैं अभी, मिनिमम रिटर्न माइनस आरएफ इनटू बीटा, बीटा के जगह रिस्क इंडेक्स है। सो तीनों प्रोजेक्ट का बताओ, प्रोजेक्ट वन का आरएफ है 10% प्लस 15 माइनस 10 इनटू 1.8, तो ये आ गया 19। प्रोजेक्ट टू में बोलिए 10 प्लस 15 माइनस 10 इनटू 1, तो 15%। प्रोजेक्ट थ्री में 10 प्लस 15 माइनस 10 इनटू 0.6, 13% हो गया, हो गया। पार्ट टू, अब एनपीवी निकालो आप सबका, सब में कैश फ्लो सेम तो नहीं है। सर कैसे करें प्रेजेंटेशन, थोड़ा गाइड करिए। देखो ईयर कॉलम बनाओ सबका, फिर कैश फ्लो अलग अलग है ना, तो तीन कॉलम बनाओ, फिर प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, और सब में अपना अपना कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू है, कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू है, कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू है। आ जाए ईयर में 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे। ईयर में है 0, 1, 2, 3, 4, कैश फ्लोज में है -15, 6, 6, 6, 6, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 19% है। यहां पे 19 है, यहां पे 15 है और यहां पे 13 है।
हो गया, क्या क्या आया? प्रेजेंट वैल्यू पहला वाला, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट 8 to 8, फिर 1.67, फिर 2.138, ये सही लग रहा है, चेक करिए। आ रहा है? क्या आ रहा है? 138 आ रहा है। सो आपको कमेंट करना है कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। एज द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, एज द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी is highest in project 3, it should be accepted. As the risk adjusted NPV is highest in project 3, it should be accepted. हो गया ये खत्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अभी तक नहीं आया क्या? तो डायरेक्ट से आ रहा तो ऐसे भी आई गई, कुछ एरर हो रहा होगा। सो ये एक पढ़ाई थी जो खत्म हो गई, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। रिकैप्चुलेट करते रहिए क्या क्या पढ़ लिया। पहला था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या सिखाया, दो केस सिखाया। क्या सिखाया? कि रियल कैश फ्लो को नॉमिनल बनाओ और नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करो, या फिर क्या करो, नॉमिनल कैश फ्लो को, हाँ, या रियल कैश फ्लो को रियल ही रहने दो, डिस्काउंटिंग रेट जो नॉमिनल है उसको रियल, रियल रिस्क फ्री बना के आप डिस्काउंट करके सम करो। दोनों से यूजुअली आंसर सेम आता है, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन पे अगर आप इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं लोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। दूसरा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बहुत इजी था, जिसमें हम लोग के पास अल्फा यानी सर्टेनिटी कोएफिशिएंट दिया हुआ होगा। ओके, हर साल का सर्टेनिटी कोएफिशिएंट हर साल के कैश फ्लो पे अप्लाई करेंगे तो सर्टेन कैश फ्लो आ जाएगा, सर्टेन कैश फ्लो को आरएफ से डिस्काउंट करके एनपीवी निकाल दीजिए। ठीक, ये रिस्क एटीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको ज्यादा रिस्क लगता है उसका सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कम होता है। जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होता है वो सर्टेनिटी कोएफिशिएंट को कम रखता है, डिस्टेंट कैश फ्लोस का सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कम होता है। फिर आया आरएडीआर, आरएडीआर में बोल रहे हैं कि हर साल का सर्टेनिटी कोएफिशिएंट सोचने से अच्छा एक ग्रॉस आरएडीआर आप सोच लो, जिसमें आप रिस्क प्रीमियम इंक्लूड कर लो। आरएडीआर निकालने का तीन तरीका था, एक मल्टीप्लीकेटिव मॉडल, 1+RADR इज इक्वल टू 1+RF इंटू 1+ रिस्क प्रीमियम। दूसरा एडिटिव मॉडल से दिखाया कि आरएफ प्लस एन प्लस डी, एन क्या था, नॉर्मल रिस्क प्रीमियम ऑफ इंडस्ट्री, और डी क्या था, डिफरेंशियल रिस्क प्रीमियम ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड तीसरा सीएपीएम के व्यू से था आरएफ प्लस केओ माइनस आरएफ इनटू रिस्क इंडेक्स। हो गया, वैसे ही रिवाइज होता है, सही उंगलियों पे देखते रहना है क्या क्या था क्या क्या था। और बाकी सम्स में तो खाली कैलकुलेटर चलाने का काम है, एग्जाम का पहला दिन ऐसे ही रिवाइज होता है, एग्जाम का पहला दिन हर टॉपिक को ऐसे ही रिवाइज किया जाता है। फिर ये सारा रिवीजन होने के बाद एक बार पलट के सम्स देख लिया जाता है कि कोई स्पेशल एरिया मार्क किया हुआ है क्या आपका। आप लोग मार्क करते हैं ना, जैसे ये ट्रिक एरिया था, स्टार लगाया हुआ है, कुछ हाथ से लिखा हुआ, उसको खाली नजर से दौड़ाना है और सम को पलट पलट के देखना है।
जहां पे मन में थोड़ा सा डर आता है कि अरे ये कैसे होगा, याद नहीं आ रहा है, ये सम को देख के एकदम भूला भूला सा लग रहा है, तो एक बार कैलकुलेटर में करके देखना है, एग्जाम के पहले ऐसे रिवाइज करते हैं।